आज हम आपको बता रहे हैं 8 अगस्त का दिन किन राशियों के लिए शुभ फलदायी रहने वाला है और किस राशि के जातकों को सतर्क रहने की जरूरत है। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि। दिन आपके लिए उन्नति भरा रहेगा, दूसरे की मदद करने से सुकून मिलेगा, अपना पूरा दिन परोपकार के कार्य में व्यतीत करेंगे, कुछ धन भी व्यय करेंगे। वृषभ राशि। दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहेगा, परिजनों के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे, शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, कुछ खर्चा भी कर सकते हैं। मिथुन राशि। दिन आपके लिए कुछ मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, संपत्ति की प्राप्ति की अभिलाषा पूरी होगी, वाहन की खराबी की संभावना बनती दिख रही है, उत्तम विवाह के प्रस्ताव आएंगे। कर्क राशि। दिन प्रेम व उत्साह का वातावरण लेकर आएगा, आज आप प्रसन्न रहेंगे, आपको लाभ होगा। सिंह राशि। दिन आपके लिए आर्थिक उन्नति भरा रहेगा, समाज में आपकी एक नई पहचान बनेगी, आज मन में प्रसन्नता होगी। कन्या राशि। आपकी मान व प्रतिष्ठा में वृद्धि का दिन रहेगा, आपको जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, समय आप अपने माता पिता की सेवा में व्यतीत करेंगे। तुला राशि। दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा, आय के नए स्रोत मिलेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, विशेष उपलब्धियां पा सकते हैं। वृश्चिक राशि। दिन आपके व्यापार में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, आज दिन उत्तम रहने वाला है, अपने क्रोध पर काबू बनाए रखना होगा, आपका मानसिक तनाव कम होगा। धनुराशि। दिन आपके लिए कुछ खर्चा भरा रह सकता है, उपयोगी वस्तुओं पर भी कुछ धन खर्च करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसरों की प्राप्ति होगी। मकर राशि। दिन आपके व्यवसायिक क्षेत्र में अनुकूल परिणाम लेकर आएगा, व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करेंगे, आपको लाभ भी अवश्य मिलेगा, आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत रहेगी। कुंभ राशि। दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है, भागदौड़ व खर्चे दोनों की स्थिति बन सकती है, महिला मित्र के सहयोग से धन लाभ हो सकता है। अब आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। दिन आपके लिए आनंदमय रहेगा, दिन आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा, जीवन साथी के लिए कोई गिफ्ट खरीद सकते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।